जनवरी का महीना खत्म हो चुका है इस साल का और हम आ चुके हैं ऑन टॉप 5 स्मार्टफोन्स को लेके हमारी लिस्ट में, जो आप 15,000 की रेंज में ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं 5 स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे जो 15,000 की रेंज में आते हैं मार्केट में, और ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काफी सही है और आप इनको चूज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडियो में मैंने जितने भी स्मार्टफोन को चूज किया है वो उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चूज किया है, जो कि स्पेसिफिकेशन सही है। ऐसा हो सकता है कि काफी लोगों को ये स्मार्टफोन जो मैंने लिस्ट में चूज किए हैं वो सही ना लगे, उनकी जगह कोई बेटर लगे और दूसरे भी काफी सारे स्मार्टफोन है जो इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं, मगर उनके कस्टमर रिव्यूज जो है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जिनमें जिन्होंने भी उन स्मार्टफोन्स का यूज़ किया है उनके रिव्यूज क्या है, उनके बारे में उन्होंने क्या बात कही है या क्या नहीं कही है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उसको भी मैंने थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इन स्मार्टफोन को लिस्ट में हमारे ऐड किया है। तो हमारी लिस्ट का जो पहला स्मार्टफोन है वो है हमारे Realme 7। Realme की तरफ से 7 जो स्मार्टफोन आया था, इसमें हमें 6.5 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में मिलती है, जो कि काफ़ी सही है। वैसे तो नॉर्मली हम 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट हमें मिलती है, मगर इसमें हमें 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है। साथ में हमें इसमें MediaTek Helio G95 का एक गेमिंग प्रोसेसर दिया गया, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। आज के टाइम में गेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है, सब लोग तो ज़्यादातर लोग इसमें गेमिंग कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी करता है। इसकी जो रिव्यूज है काफ़ी अच्छे हैं। कैमरे की बात करें तो इसमें हमें 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें हमें एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स के लिए कैमरा इसमें मिलता है। वहीं अगर हम इसके सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें 16 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैटरी की बात करें इसमें तो हमें इसमें 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में हमें इसमें 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो हमारी बैटरी को काफ़ी स्पीड में रिचार्ज कर देगा। अगर हम इसकी स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसमें हमें 6 GB RAM, 64 GB स्टोरेज 14999 की प्राइस रेंज में मिलते हैं और काफ़ी सारे स्मार्टफोन ऐसे हैं जो इससे थोड़े से कम बजट में भी हमें मिल जाते हैं, मगर मैंने इनमें सिर्फ 2 ही स्मार्टफोन को चूज़ किया रियलमी के, जो कि हमारे 15,000 की प्राइस रेंज में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन के बारे में, जो है हमारा रियलमी नार्जो 20 प्रो। इसकी स्पेसिफिकेशन लगभग रियलमी 7 बराबर में ही है, सिर्फ इसमें कुछ ही डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। जैसे कि रियलमी 7 में भी हमें 6.5 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, रियलमी नार्जो 20 प्रो में भी हमें 6.5 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। दोनों में ही हमें 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है। साथ में उसमें हमें Realme 7 में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, इसमें हमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। सेल्फी के कैमरे की बात करें तो दोनों में ही हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। साथ में ही Realme 7 में हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है और इसमें हमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है। एक डिफरेंस और है जिस वजह से मैंने Realme Narzo 20 Pro को इस लिस्ट में चूज़ किया है, वो है इसकी चार्जिंग स्पीड। इसमें हमें 4000 mAh की बैटरी तो मिलती है, मगर इसमें हमें 65 वॉट की सुपर डार्ट चार्जिंग दी गई है, जो कि काफ़ी तेज़ी से हमारी बैटरी को चार्ज कर देती है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 6 GB RAM, 64 GB इंटरनल 14,999 की प्राइस रेंज में मिलता है, जो हमें Realme 7 भी मिलता है, और दोनों में ही हमें Helio G95 का ये गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर आपके इसके अलावा कोई भी स्मार्टफोन आपके नज़र में हो या आपके ओपिनियन हो कि 20 Narzo 20 Pro की जगह उसको चूज़ किया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड स्मार्टफोन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है पोको का X2। पोको X सीरीज काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिक के साथ में हमें मिलती है। चलिए अब बात करते हैं पोको X2 के बारे में। तो इसमें हमें 6.67 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं इसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। कंपनी के हिसाब से
इसमें जो हमें बैटरी देखने को मिलती है वो है 4500 mAh की, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। एवरेज बैटरी हम इसको कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है। मगर इसमें हमें 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो कि स्लाइटली कम है अगर हम देखें दूसरे स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कि उसमें चार्जिंग स्पीड हमें कितनी दी गई है इस प्राइस रेंज पे। तो इसमें मुझे स्लाइटली थोड़ी सी कम लगी, मगर इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि फास्ट चार्जिंग इसमें थोड़ी सी कम है, मगर इसमें कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। वहीं सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें हमें डुअल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें हमें 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं अगर हम इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 730G का एक पावरफुल प्रोसेसर, जिसमें हम अपनी मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं और गेमिंग भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से करा देता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 6GB रैम एंड 64GB स्टोरेज 14,999 की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाती है। ये तो बात हो गई हमारे टॉप 3 स्मार्टफोन्स की, जो कि 15,000 की रेंज में आप ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे 4th स्मार्टफोन की, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M21। अभी तक हमारी लिस्ट में जितने भी स्मार्टफोन थे वो सारे एक चाइनीज ब्रांड के थे, और ये अगर आप लोग चाहते हैं कि आप चाइनीज स्मार्टफोन ना लें या फिर चाइनीज स्मार्टफोन को आप नहीं प्रेफर करते हैं, तो एक स्मार्टफोन मैंने अपनी लिस्ट में नॉन चाइनीज भी लिया है, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M21। सैमसंग गैलेक्सी M21 में हमें 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो हमारे कंटेंट को काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी अच्छा बना देती है। मतलब अगर आप इसमें वीडियो देखते हैं या अपने कोई भी मूवीज देखते हैं तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमें देती हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें हमें सैमसंग एक्सिनोस 9611 का एक प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी सही है, ज़्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मल्टीटास्किंग आप आराम से इसमें कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 48+8+5 का। वहीं अगर हम सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें हमें 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। सैमसंग के कैमरे काफ़ी सही होते हैं और काफ़ी क्लियर पिक्चर वो हमें क्लिक करके देते हैं। वहीं अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें हमें मेगा मॉन्स्टर बैटरी यानी कि 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में हमें दी गई है। अब बात करते हैं इसकी स्टोरेज की, तो इसमें हमें 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज 13,999 की प्राइस रेंज पे देखने को मिलती है। अगर आप एक नॉन चाइनीज कंपनी के सपोर्ट में हैं तो आप सैमसंग गैलेक्सी M21 को चूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे 5th स्मार्टफोन की, जो कि है हमारे ही इंडियन स्मार्टफोन की। मैंने इस लिस्ट में 3 चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज को, एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी को और एक हमारे इंडियन स्मार्टफोन कंपनी को चूज किया है, क्योंकि 15,000 की रेंज में ये सारे स्मार्टफोन जो भी हैं ये अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अच्छे रिव्यूज़ के साथ हैं। तो इसलिए मैंने 5th पोजीशन पे जो चूज़ किया है वो है हमारा माइक्रोमैक्स इन नोट 1। बहुत से लोगों को लगेगा कि शायद नोट 1 की जगह कोई दूसरा स्मार्टफोन को चूज़ करना चाहिए था, मगर मेरे हिसाब से एक स्मार्टफोन हमारे इंडियन ब्रांड का भी होना चाहिए जो कि टॉप 5 हो। और बेसिकली अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखें तो ये काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है। तो अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में हमें 6.67 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है 60Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में। वहीं अगर हम इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें हमें MediaTek Helio G85 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें हम गेमिंग भी अच्छी कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग भी ये बहुत अच्छी तरीके से हमें करा देता है। वहीं अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो इसमें हमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें हमें 48+8+2+2 का कैमरा सेटअप दिया गया है। वहीं सेल्फी में इसमें हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छी बैटरी इसमें हमें मिलती है। साथ में इसमें हमें 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग हमें इसमें देखने को मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल 10,999 की प्राइसिंग पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। अगर आप इसकी स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका हायर वेरिएंट भी ले सकते हैं।
आपके हिसाब से 15,000 की रेंज में कौन से 5 स्मार्टफोन बेटर है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट पे वीडियोस लेके आता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।